चट मंगनी पट ब्याह। ये जितनी जुगल जोड़ी आप देखते हैं, ये सबका ब्याह मामा बनारसी रचाए हैं, अर्थात उनकी शादी कराए हैं। यही मामा बनारसी का धंधा है। गले में समस्या का फंदा है, मगर मामा बनारसी काटते हैं और शादी ब्याह के रिश्ते को प्रसाद की लड्डू की तरह बांटते हैं। अब अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, पैरों पे खड़ा हो या खाट पे पड़ा हो, पैसे वाला हो या भीख मांगने वाला हो, सबकी समस्या को मामा बनारसी सुलझाते हैं और उनके दिल की नैया को किनारे लगाते हैं। ज्यादा मुस्कुराओ नहीं, दांत दिख रहे हैं आपके। तो अब अपनी समस्या बोलिए, मुंह के किवाड़ खोलिए और जल्दी से बताइए कि लड़का है कि लड़की है। जी लड़की है, ये देखिए। सुंदर, धन? 1,00,000 रुपया। उम्र? 18.5 साल। 19 की नहीं होने पाएगी जी, मतलब शादी हो जाएगी। अच्छा। आप क्या समझी थी? नहीं वैसे ही। तो काहे के एडवांस है कि निश्चिंत होके जाइए। हाँ। तो बुकिंग की खिड़की, मतलब वो जो धन रेखा की जगह हुआ है, अच्छा, तो वहाँ देख के मतलब। धन्यवाद, जल्दी जाइए आप। नमस्कार। अरे बाबूजी, ऐसी गवाह लड़की से मेरी शादी करानी थी क्या? पत्थर की मूर्त, न शकल न सूरत। अरे ठहर जा, बस सूरत ठहर जा, चौराहे में फजीता करवाएगा क्या? देखो जरा घर की कढ़ाई में उबाल आ रहा है, आप लोग अभी जाइए, कल तशरीफ ले आएगा। चलो जल्दी करो भाई, अब कार्बोरेटर में कचरा आ गवा का। अरे तुम चलो वहाँ से, कहा झांक रहे? चलो। अरे बोल का है? इस पत्थर को अपने घर वापस भिजवा दीजिए, हर पेरेंट्स होम, मैं अपने लिए कोई और ढूंढ कर लाऊंगा। अरे पर हुआ का है? अब होने को रह ही क्या गया है सिवाय तलाक के, ओनली डिवोर्स। का है? मैं शाम को घर आता हूँ मेरे दोस्तों के साथ, तो ये उठकर अंदर चली जाती, सुबह होने से पहले जग जाती, सुबह उठ के पूजा पाठ, हरिओम बोल करती है मेरे को। मैं रात को देर से आता हूँ तो मेरा इंतजार करती है, वेटिंग फॉर मी दिस स्टूपिड वुमन। ऐसी गमार औरत मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी बाबूजी। ए बहू, तू दिल छोटा नहीं कर, चल पहले बता के बात का है। दोस्तों में बैठने को कहते हैं, सब लोगों के सामने शराब पिलाने की जिद करते हैं, खुले गले का ब्लाउज और पैंट पहनने को बोलते हैं। अरे वो नालायक तुरे लायक नहीं है, पर तू चिंता नहीं कर बहू, हम है ना। अरे आज सर चढ़ के बोला, कल तेरे चरणों में लेटा होगा, हम कहते हैं। तू एक काम कर, तू रो नहीं, हम जरा बात करके आते हैं। किससे? वो है एक कमरे रिश्तेदार, बहुत पुराने, तू नहीं पहचानती है, तू ठहरे, मैं बात करके आते हैं। आकाश के झरोके से झांको, हे जगत पिता। आई गई, नमस्कार। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ बैठ के रिश्ता जोड़ते हैं और तुम वहां बैठ के रिश्ता तोड़ते हो, है? अगर सारा कमाल तेरा है तो फिर एक सवाल मेरा है, अगर सारी दुनिया तेरी है तो ये बहू क्या अकेली मेरी है? अरे है कोई जवाब या होने दूं उसका खाना खराब? आए क्या? अरे नहीं बाबा, आज वो बिटवा आई कि अंग्रेजी में बहुत चीख चिल्लाए के गया है, थोड़ी देर इंतजार करें। संभाल लेना, तुम जगत पिता हो, हमरे पिता हो ना, तो बेटा का संभालोगे ना, तो जाए। नमस्ते, संभाल लेना मगर। सुनिए मैडम, एक गिलास पानी, बहुत प्यास लगी है। आपको बोल रहा हूं मैडम, सुनिए। हाय हाय, नहीं जमा, तू पटा। अब पानी नहीं तो एक कप चाय तो पिला दीजिए, पिलाइए ना देवी जी। तुझे पानी चाहिए और तुझे चाय? हाँ ये
मत आए, बस बेटा। पत्थर उठा के मारना था सालों को। किस किस को उठाकर पत्थर मारेगा, किस किस से बचाएगा अपनी बहन को? जब लड़की का कद आंगन की दीवारों से ऊंचा हो जाता है तब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए, नहीं तो बिरादरी में बदनामी हो जाती है। नमस्ते मामा जी। आए, काका? मतलब नमस्ते मामा बनारसी जी। मामा के साथ बनारसी का होना बहुत जरूरी है, तशरीफ रखिए। आपकी तारीफ? मेरा नाम शारदा देवी शर्मा है, मैं अपने बेटे और बेटी की रिश्ते के लिए आई हूँ। आप अपने बेटा बेटी की फोटो लाई? हाँ हाँ, ये हाँ। ये बेटी रमा बीए पास है। अच्छा। और ये है बेटा शशि, चार्टर अकाउंटेंट है। क्या चार्टर? अकाउंट मतलब पढ़ा लिखा है। हाँ। चार्टर मतलब अकाउंट। वैसे दोनों सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम इन दोनों का इंतजाम कर देंगे। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और हमारे आने की राह देखिए, हम दो चार दिन में आपके घर आते हैं। अच्छा। जय राम जी की। राम जी की जय। राम जी की जय। ये अकाउंट चाटते हैं बिटवा, तो अभी नाम लिख दें इनका, अकाउंट चाटते हैं। एक्सक्यूज मी। यस। आप मिस रजनीकांता है ना? यस। अब आप शाइन कंपनी में काम करती हैं? आपको कैसे मालूम? मैं आपके सामने वाली बिल्डिंग अली चेंबर्स में 69 कंपनी के साथ काम करता हूँ। वो आपका जो अकाउंटेंट है ना, वो पहले हमारे यहाँ काम करता था। उसी ने आपके बारे में बताया था। बताया होगा। आई एम सो सॉरी, मैंने आपका अपना नाम नहीं बताया। इट्स ऑल राइट, मुझे पढ़ने दीजिए प्लीज। वेल एनीवे, मेरा नाम है। प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। रोमांटिक गाना, मूड दीवाने का, नाम तो पूछो प्यार देखो। I'm sorry. धूप ज्यादा है ना, चक्कर आ गया। हाय रजनी। ओ हाय गिरीश। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ। शायद मेरी शिकायत कर रही है। क्यों मिस्टर? अरे यार, आज तो मैं जूते खाते खाते बचा। वो कैसे? बस स्टॉप पे एक लड़की अकेले खड़ी थी। हाँ? मैं हो गया शुरू। हाँ? और कमाल की बात तो ये है कि आज मैं एक बार भी नहीं हकलाया। क्लाइमेक्स पर आओ यार जल्दी। उतने में हो गई विलेन की एंट्री, जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी था, और मुझे होना पड़ा उड़नछू। फिकर नॉट यार, बंबई शहर में लड़कियों और बस स्टॉपों की कोई कमी नहीं है। अरे अहम बात तो यह है कि तुम फर्स्ट टाइम हकलाए नहीं। खैर छोड़ो, वो देखो। अरे मिस मेहरा यार, ऐसा करो तुम प्रतिमा एंटरप्राइजेस की उससे फाइल मंगवाओ और बातों बातों में उसे पटा लो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं तब तक शाइन मोदी की फाइल बॉस से जाके डिस्कस करता हूँ। एंड रिमेम्बर, रोमांटिक गाना, मूड। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मिस मेहरा। यस सर। जरा प्रतिमा एंटरप्राइजेस की फाइल ले आएंगे आप? अभी लाइए सर, जरा ये लेटर टाइप कर लो। ओके। मिस मेहरा, फाइल जल्दी ले आइए, मामला जरा अर्जेंट है।
तो मैंने कहा ना ये लेटर कंप्लीट कर लूं, इतनी भी जल्दी क्या है? ओके ओके, टेक योर टाइम। अरे सर और क्या, हम तो कलीग हैं, बैठिए ना, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं थैंक यू सर। सर ये भी लीजिए, शायद इसमें लव लेटर होगा। लीजिए ना सर। कोई लेटर है इसमें? लेटर नहीं सर, इनविटेशन कार्ड है। इनविटेशन? जी इस फ्राइडे को मेरी शादी है सर, आप जरूर आइएगा, डू नॉट फॉरगेट सर। क्यों भाई मियाँ, पटी के नहीं? नहीं यार, शादी का कार्ड थमा के चली गई। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे यार, कार्ड से याद आया, वो अपने दहेज विरोधी संघ का चेयरमैन है ना रघु, उसकी आज शादी है यार। उस दिन बड़े दहेज के खिलाफ भाषण दे रहा था ना मीटिंग में, मैंने सुना है कि दहेज की बड़ी बड़ी मांगे करके लड़की वालों को कंगाल किए दे रहा है वो। क्या बात कर रहा है? तब तो उसकी शादी में जाना पड़ेगा अपनी बारात के साथ। राइट। क्या बात है बेटा? फेरे शुरू होने से पहले मारुति कार की बात कर लीजिए। हाँ वो रहे संध जी, वो देखो, बैठिए मैं हाजिर हुआ, जल्दी जाइए वरना भीड़ में यामा हो जाएंगे वो। फिक्र मत करना, मैं उन्हें घेर लेता हूँ। और सुनिए, ज्यादा चैंचा करें ना तो साफ साफ कह देना कि वकील केदारनाथ एयर कंडीशन मारुति देने को राजी है, है ना मम्मी? ठीक है। अरे अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, आइए। संदीप जी जरा एक बात सुनिए। जी कहिए। कुछ कमी तो नहीं? इंतजाम तो ठीक है ना? नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ घरेलू बात करनी है आपसे। जी कहिए। यह नहीं, जरा उस कमरे में चलिए, आइए।